दिसंबर में शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा का विधायक दल सरकार को घेरने का काम करेगा। जनता से किए गए झूठे वादों को सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा, ये कहना है मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी मांगी है कि अगर किसी विधायक पर न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा है तो उसकी जानकारी दी जाए, जिसके बाद पार्टी उन विधायकों का पूरा सहयोग करेगी। वर्तमान दिसंबर माह में मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होगा। इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की ये कोशिश होगी कि पिछले 11 महीने में मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है स्थानांतरणों में, अन्य प्रकार से लेन देन नीतियों में भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों की स्थिति खराब है, किसानों के लिए राहत राशि प्राप्त नहीं हो रही, अतिवृष्टि के कारण जो लाखों हेक्टेयर में क्षति हुई थी राज्य की उसमें राशि का एक पैसा भी जारी नहीं हुआ है, किसानों की ऋण माफी नहीं हुई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन ऐसे अनेकों विषयों को लेके भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और हमारे सभी साथी विभिन्न प्रकार से विभिन्न माध्यमों से जो भी हमको विधानसभा के नियमों के अंतर्गत अनुमति होती है, स्थगन सूचनाएँ, ध्यानाकर्षण सूचनाएँ, तारांकित अतारांकित प्रश्न 139 के अंतर्गत चर्चा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करवाएंगे। मैंने सभी विधायकों को पत्र भेज के उन विधायकों से यह जानकारी मांगी है कि ऐसे विधायक जिनके ऊपर भोपाल के विशेष न्यायालय में प्रकरण चल रहे हों, आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, खासतौर से ऐसे जिनमें सजा आजा का प्रावधान है, तो ऐसे सारे विधायक अपने अपने प्रकरणों की जानकारी और उनके अधिवक्ता कौन हैं, उन अधिवक्ताओं के मोबाइल नंबर कौन हैं और वर्तमान में स्टेटस क्या है, उनके प्रकरण की वर्तमान में अद्यतन स्थिति क्या है, इसके बारे में विधायक 7 दिवस के अंदर मुझे सूचित करें, जिससे कि मैं इस प्रकरण को स्वयं भी देख सकूं, अपने लीगल एडवाइजरों से चर्चा कर सकूं। और मैंने अब इस बात का निर्णय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल, हम लोग विशेष अधिवक्ता और कानून विशेषज्ञों से सलाह लेके ऐसे सारे विधायकों की सहायता करेंगे, जो विधायक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो विधायक उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है जितना विधिक जानकारी उनके लिए होना चाहिए, या फिर अन्य प्रकार से प्रभावित होते हैं, या फिर विधायकों के लिए लगता है कि उनके निर्णय को कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर मैं इस मामले में भी जो कुछ भी उचित होगा पार्टी फोरम पर चर्चा करके मैं उन विधायकों को संरक्षण दिलाने का काम करूंगा।